नमस्कार, वेलकम बैक टू डॉक्टर नवनीत कालरा शो। कैसे हो सर आप? मैं बढ़िया हूँ, आप देख रहे हो सब चंगा है और कहते हैं आगे पीछे नंगा तो दुनिया ऐसी है, ऊट पटंगा है। तो चलो, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जैसे मैं बाहर बैठी हुई थी ना तो मेरे दिमाग में आया कि मैं आपसे यही पूछूंगी कि एक आपका पेशेंट है, ठीक है, उसका नाम तो मैं नहीं लूंगी, लेकिन एक पेशेंट है जिसकी किडनी ठीक हो गई और वो आपको काफ़ी थैंक्स थैंक्स भी बोल रहा था। तो मतलब मैंने तो सुना कि किडनी प्रॉब्लम इतनी ईजिली ठीक भी नहीं होती है, तो मतलब पहले तो ये बताओ कि उसको डिसऑर्डर क्या था और फिर ये कि वो ठीक कैसे हुआ। देखो, मैं अभी आपको ना वो दिखाऊंगा, इनकी रिपोर्ट दिखाऊंगा, और बड़े लोगों के मन में सवाल होते हैं, स्पेशली किडनी के साथ जुड़े हुए जो पेशेंट्स हैं, कि क्या उनकी किडनी ठीक हो सकती है। और मैं इस पर काफ़ी वीडियो बना भी चुका हूं और ये भी बता चुका हूं कि कुछ पेशेंट में ठीक हो सकती है जहां पे बॉर्डर लाइन केस है। देखो, पहले तो ये बता दूं, किडनी बीमारियाँ दो तरह की होती हैं, एक्यूट किडनी डिसऑर्डर जहाँ अचानक कुछ हुआ, इन्फेक्शन हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ और किडनी ने काम करना बंद कर दिया, तो ठीक है। और दूसरा था क्रॉनिक किडनी डिजीज जहाँ पे परमानेंट डैमेज हो चुका है, ठीक है। तो ये जो पेशेंट और एक्यूट किडनी इंजरी वाले पेशेंट ठीक हो जाते हैं अगर आप उनको ठीक टाइम पे ठीक ट्रीटमेंट दे दो, ठीक है। डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन करेक्ट कर दो तो वो ठीक हो जाएगा। उसका यूरिया भले ही 5 किलो हो गया, और सॉरी क्रिएटिनिन 5 किलो हो गया, 6 किलो हो गया, वो ठीक हो जाते हैं। भले एक आधी डायलिसिस करनी पड़ जाए टेम्परेरी, ठीक हो जाते हैं हमेशा के लिए। इन्फेक्शन भी यही होता है, इन्फेक्शन ठीक होता है वो भी ठीक हो जाता है। लेकिन ये जो पेशेंट था, ये क्रॉनिक किडनी डिजीज का पेशेंट था, ये थोड़ा सा बताना जरूरी है कि ये क्रॉनिक डिजीज किडनी का पेशेंट था। लेकिन अब इस केस को बताने के बाद हर क्रॉनिक किडनी डिजीज जिसकी किडनी खराब हो, ये ना सोचे कि मेरा भी नॉर्मल हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ कि अगर हम कुछ चेंजेस करें ट्रीटमेंट में तो आपका क्रिएटिन कम हो सकता है, बिना डायलिसिस के भी हो सकता है, ठीक है। तो ये केस मैं ऐसे ही बताने जा रहा हूँ। ये पेशेंट मेरे पास आए थे तो इनको कुछ सांस की प्रॉब्लम थी, कोविड हुआ था, तो जब मैंने टेस्ट कराया, क्योंकि वजन ज़्यादा था, बीपी था, तो मैंने जब टेस्ट कराया तो इनका यूरिया, आपको रिपोर्ट बताता हूँ, ये देखिए। देखो निधि, इसका पेशेंट का नाम लिखा हुआ है, प्राइवेसी के लिए मैं इनके साथ वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं नहीं चाहता था कि उनके बारे में किसी को ज़्यादा पता चले। यूरिया 53 था, क्रिएटिनिन 2.5 था, ये आए थे मेरे पास दिसंबर में। अच्छा, क्रिएटिनिन 2.5, यूरिया से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रिएटिनिन होता है, क्योंकि यूरिया को डाइट से कम ज़्यादा किया जा सकता है, क्रिएटिनिन के साथ ऐसा नहीं होता है। ओके, क्रिएटिनिन अगर आपको कम करना है तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इस इंसान में ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम चेंज कर दें कि क्रिएटिनिन कम हो जाए, है ना। कई बार हम गलत दवाइयां खा रहे होते हैं, तो अगर आप वो दवाइयां ठीक कर दो तो उससे कम हो सकता है। कई बार कुछ इन्फेक्शन होते हैं, इन्फेक्शन ठीक कर दो तो वो नीचे आ सकता है। टेम्परेरी राइट, जैसे आपने पेन किलर खा लिया तो आपका बढ़ भी सकता है ना, टेम्परेरी बढ़ भी जाता है और टेम्परेरी कम भी हो जाता है। और मतलब कि अगर आप उस करेक्शन कर देना उस चीज का जिसकी वजह से उसका, मान लो अब ये पेशेंट आया, तो मैं सबसे पहले जब भी कोई किडनी का पेशेंट आता है ना, मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि आप टेस्ट तो सारे कराते ही हो, GFR देख लोगे, ये सब देख लोगे जो भी है, लेकिन सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि इसके ट्रीटमेंट कोई लोचा तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है कि जो हम सुधार दें तो इसका क्रिएटिनिन कम हो जाए, ठीक है। सबसे पहला काम यही करना चाहिए जब आपके पास क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट आते हैं। सबसे पहला हमें काम होता है कि क्या क्रॉनिक में भी एक्यूट इंजरी हो सकती है, कि मान लो किसी का क्रिएटिनिन 2 रहता था और उसने कोई गलत ट्रीटमेंट से उसका 2 से 5 हो गया, अगर हम उस 5 से 2 पे भी ला सकते हैं अगर उसको ट्रीटमेंट करेक्शन कर दें तो, ठीक है। अच्छा, समझे आप? तो आप ये डायग्नोस कैसे करते हो कि इसकी क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण? वो हिस्ट्री लेनी पड़ती है आपको, पूरा पुराना पास्ट ट्रीटमेंट देखना पड़ता है कि क्या उसके ट्रीटमेंट में कोई ऐसी दवाई तो नहीं चल रही है जो उसको, ज्यादातर केसेस में मैंने देखा है कि दवाइयां गलत दवाइयों से भी बढ़ जाता है यूरिया क्रिएटिनिन, ये मेरा अपना है। और कुछ करेक्शन कर दो। अच्छा, कई लोग क्या होता है, पेशाब की दवाइयां बहुत ज्यादा खा रहे होते हैं क्योंकि पेशाब नहीं आता ना, तो ओवरडोज ले रहे होते हैं पेशाब की। एक तो बंदा खाना नहीं खा रहा, ऊपर से आपने उसको पेशाब की दवाइयां इतनी दे दी, तो कई बार डिहाइड्रेशन होता है, उससे यूरिया क्रिएटिनिन और बढ़ जाता है। मतलब ये ट्रीटमेंट इतना सिंपल नहीं होता इसका, आपको हाइड्रेशन का पता होना चाहिए कि इसको कितना पानी देना है और कितना निकालना है। ज्यादा निकाल दोगे तो भी मुसीबत है, जो भी मुसीबत है ना। तो ये सब चीजें सोच के करनी पड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट में लोचा होता है कई बारी, और पेशेंट की किस्मत अच्छी हो अगर आप वो करेक्शन कर दें, उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा भी ठीक कर दें। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कई बार आपकी बीपी की दवाई, सपोज आपका क्रिएटिनिन 2 या 2.5 या 3 है, सपोज 3 है, और आपने उसको ऐसी दवाई दे दी जिससे बीपी की दवाई कि जिससे उसका क्रिएटिनिन बढ़ के 5 हो गया। अब वो बीपी की दवाई अगर आप चेंज करके दूसरी दवाई कर दो तो 5 से वापस 3 पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस पेशेंट में मैंने कुछ ऐसी चेंजेस करे,
कुछ उसको प्रिकॉशंस बताए, कुछ चेंजेस करे, और या मुझे जो लगता था कि कुछ और रिवर्सिबल फैक्टर है, जैसे कोई इन्फेक्शन भी साथ में, तो मैंने उन सबको मैनेज किया, डाइट मैनेज करी, ठीक है। तो उसका यूरिया क्रिएटिनिन देखिए कितना हो गया, पहली रिपोर्ट है 53.2.5, आप साइड में देख सकती है, ठीक है, लिखा है 53.2.5, ये है दिसंबर। जनवरी में इसका आ गया क्रिएटिनिन, मैं यूरिया को इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं देता हूँ, क्रिएटिनिन को ही देनी चाहिए, 2.5 से आ गया 1.5 क्रिएटिनिन, यूरिया 63, तो यूरिया थोड़ा सा बढ़ा लेकिन क्रिएटिनिन 1.5 पे आ गया। अब ये लास्ट रिपोर्ट है मार्च की जो हमने 15 तारीख को कराया, लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि यूरिया बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, क्रिएटिनिन 1.5, और जो अपर लिमिट होती है क्रिएटिनिन की वो 1.4 1.3, कई बार लैब का अलग अलग वेरी करता है, तो इस लैब का क्रिएटिनिन 1.2 था नॉर्मल, तो 1.5 पे हम हैं और यूरिया हमारा नॉर्मल हो चुका है, ठीक है। तो अब पेशेंट तो खुश होना ही है क्योंकि उसको लगता था कि मेरा तो क्रिएटिनिन यूरिया, तो ये कहीं ना कहीं डाइट, मेडिसिंस, लाइफस्टाइल, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, हर चीज़ का एक कॉम्बिनेशन होता है। आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं अपने लाइफस्टाइल को। देखो पहली चीज़ तो एडिक्शन छोड़ो, अगर आप कोई एडिक्शन कर रहे हो, है ना, उनको बंद करो, दारू, सुट्टा, फलाना, सिगरेट, है ना, ये सब बंद करो। उसके बाद थोड़ा सा योगा, मेडिटेशन, वॉक शुरू करो, अपना हाइड्रेशन डॉक्टर से पूछ के मेंटेन करो कि आपको कितना पानी पीना है, कितना लिक्विड लेना है, और दवाइयाँ बिना पूछे कोई दवाई मत खाओ, कोई एंटीबायोटिक गलत खा ली तो मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि डोज भी हमें एडजस्ट करनी पड़ती है, जब किडनी पर असर आता है तो डोज थोड़ी कम करनी पड़ती है, और आपने कोई गलत दवाई खा ली, डोज भी गलत हो गई, दवाई भी गलत खा ली, तो फिर अचानक से क्रिएटिनिन बढ़ भी जाता है और फिर इमरजेंसी भी हो जाती है कई बार, फिर टेम्परेरी डायलिसिस भी होती है, ठीक है। तो ये मुद्दा ये है कि एक छोटी सी आपकी प्रॉब्लम उसको कहीं से कहीं लेके जा भी सकती है और कहीं से कहीं नीचे भी ला सकती है। जैसे कि इस पेशेंट में आपने देखा कि यूरिया ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है, क्रिएटिनिन, सॉरी, यूरिया तो नॉर्मल हो गया, क्रिएटिनिन 2.5 से 1.5 पे आ गया, तो ऑलमोस्ट नॉर्मल ही कहूँगा मैं इसको। तो ये ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं हमारे पास, और कई पेशेंट बाहर से भी अच्छा होता क्या है, अब एक पेशेंट ठीक हो जाता है ना, उसको लगता है कि किडनी ठीक कर दी इसने, अब और पेशेंट आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन ऐसा सब पेशेंट में नहीं होता है। जिनकी किडनी सीवियरली डैमेज हो चुकी है 90%, 95%, जिनका क्रिएटिनिन 7, 8, 9, 10 पहुंच चुका है, 11 हो चुका है, 12 हो चुका है, हर केस अलग अलग है, आप हर केस को एक दूसरे से मिला नहीं सकते। कोई मुझे कहे जी मेरी किडनी ठीक कर दो, मैं इसके लिए बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि मैं कोई गारंटी नहीं लेता किसी किडनी ठीक करने की। हाँ, थोड़ा सा यूरिया क्रिएटिनिन कम ज़्यादा हो जाता है, कम कर सकते हो आप अगर आप ठीक टाइम पे उसको मेडिसिन दो। और कुछ मेडिसिन ऐसी भी होती हैं जो आपकी डायलिसिस को थोड़ा प्रोलोंग कर सकती है, मतलब डिजीज को, प्रोग्रेशन को रोक सकती है। जो डायलिसिस आपको अगर 5 साल में जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है वो दवाई आपकी उसको खींच के 7-8 साल पे कर दे, तो ऐसी दवाइयां भी हैं। प्रॉब्लम एक और है किडनी में, जो ये करप्शन से रिलेटेड बता रहा हूँ कि किडनी में कुछ दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं और इलाज आसान नहीं होता, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि वही दवाइयाँ सेम ब्रांड, सेम दवाई दूसरे ब्रांड की बहुत सस्ते भी मिल सकती है। जैसे कि मैं कुछ अगर मेडिसिन, अगर एक 35 रुपये की टैबलेट आती है और दिन में डॉक्टर ने लिखा 2 गोली दिन में 3 बार, आप सोचो कि 3 या 9, 180 रुपये की गोली सिर्फ एक हुई दिन में, तो वो बेचारा अगर पूरा सूरा आदमी है उसके पास इतनी इनकम नहीं है, तो वही मैं ये बोलूँगा कि ये दवाइयाँ आजकल प्रधानमंत्री जन औषधि वहाँ पर भी मिल जाती हैं, सस्ती दवाइयाँ, आप वहाँ से ट्राई कर लें। नहीं तो आजकल सच बोलूँ तो आप नेट पर सर्च करोगे तो अच्छी अच्छी कंपनी की बहुत सस्ती दवाइयाँ भी मिल जाएंगी, क्योंकि जमाना कंपटीशन का है, ऑनलाइन का है, उस चक्कर में अब कंपनियां सस्ती दवाइयां बना रही हैं। एक ही दवाई 35 रुपये की मिलेगी, घटिया दवाई, लोकल दवाई, वही दवाई अच्छी कंपनी की आपको 15 रुपये की मिलेगी। तो जाइए सर्च करें, अगर नहीं समझ में आए तो मुझे मैसेज कर दो, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ आप लोगों के लिए, है ना। और सर एक बार बताओ, मतलब इस पेशेंट के साथ आपने सिर्फ थोड़ी बीपी की दवाई चेंज करी उनकी, या आपने बताया? हाँ, नहीं, और डाइट के अंदर क्या चेंजेस करे? डाइट में तो ठीक है, उनको बता दिया कि आपको बहुत ज्यादा प्रोटीन डाइट नहीं लेनी है, डाइट रेस्ट्रिक्ट करनी है, आपको पोटेशियम ज्यादा नहीं लेना, उससे वो तो एक अलग चीज हो गई। डाइट का भी उन्होंने करा कुछ उनकी, मुझे लगता है कि इस पेशेंट में सबसे ज्यादा दवाइयों का इशू था। अच्छा। और ज्यादातर पेशेंट में दवाइयों का इशू होता है, थोड़ा सा दवाइयां एडजस्ट करने से बहुत फर्क पड़ जाता है। कई बार मैंने बोला ना, किडनी में क्या है, एक ही दवाई आपको ठीक करती है वही खराब कर देती है। आप पेशाब की दवाई दे रहे हैं क्योंकि उसको पेशाब नहीं आता, पेशाब की गोली देनी पड़ती है, वही थोड़ी सी ज्यादा दे दो तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उससे यूरिया बढ़ जाता है। तो ये पता लगाना बड़ा आसान काम नहीं होता कि क्या इसकी दवाई पेशाब की ये कम है या ज़्यादा है, ठीक है। ये सिर्फ आपको पेशेंट से बात करके, क्या उसके पैरों में सूजन है नहीं है, क्या बॉडी में फ्लूड है नहीं है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो आसान नहीं होता, तो एक
बार बार एक्सपीरियंस से पता चल जाता है। हालांकि मैं कोई किडनी स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन अब 25 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। पोस्ट एमडी 96 में किया था, अभी अब आप सोच लो कितने साल हो गए मुझे एमडी करे हुए भी। तो कहीं ना कहीं आप इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि, और ऐसा नहीं है कि मैं रिफ़र नहीं करता हूँ, मैं नेफ्रोलॉजिस्ट को रिफ़र करता हूँ जब मुझे लगता है कि पेशेंट को डायलिसिस होनी है, ये सब होना है, तो नो डाउट ओपिनियन ले लेनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। नहीं, लेकिन और अगर सर ये किसी किडनी स्पेशलिस्ट के पास जाते भी तो वो इनको इस रिपोर्ट पे क्या डायलिसिस पर डाल देते हैं, नहीं, मतलब क्या मुझे बोलते मुझे नहीं हैं? नहीं लगता, लगता। लेकिन हाँ कुछ लोग फालतू के टेस्ट करा देते हैं पहले से। अच्छा। वो क्या बोलेंगे, इस रिपोर्ट को देख के 36 टेस्ट लिख देंगे कि हेपेटाइटिस सी करा लो, बी करा लो, फलाना करा लो, ये करा लो, वो करा लो। अबे उसको तुझे लग रहा है डायलिसिस के अगले महीने होने वाली है, उसको मुझे नहीं लगता देख के 5 साल जत पड़ेगी। ठीक है आपने टेस्ट करा लिए, लेकिन ये कई बार मन में डर बिठा देते हैं कि अब डायलिसिस कभी भी हो सकती है। वही ना, तो वही अब ऐसे चीज। पेशेंट मैंने देखा है, कुछ नेफ्रोलॉजिस्ट को 50 टेस्ट लिख देंगे कि ये, क्योंकि वो ऐसे लिखेंगे कि जैसे कल इसका फिशुला भी बन जाना है, कल हाँ, डायलिसिस भी हो जानी है। तो ठीक है, मैं सबके बारे फालतू में का नहीं कह रहा पैनिक हूँ, लेकिन होना। हाँ सबकी अपनी अपनी अप्रोच है। और किडनी का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है कि एक लंबे समय तक किडनी ठीक नहीं होती है, और गलत ट्रीटमेंट से बहुत मुसीबत भी आ जाती है। तो मुझे आज भी याद है कि मेरे ही एक रिश्तेदार को, मेरे ही एक जान पहचान के डॉक्टर ने किडनी के, उसको बिना किसी प्रूफ के स्टेरॉयड लिख दिए थे, वो भी 80 mg डेली मिथाइल ओमनाकोर्टिल यानी कि प्रेडनिसोलोन। उस दिन के बाद से वो रिकवर नहीं हुआ और इस दुनिया से चले गए। और मेरे बहुत क्लोज मेरे रिलेटिव थे और डॉक्टर भी मेरे जानने वाले थे, आप सोचिए। और मैंने जब उनको ये पूछा कि आपने ये किस बेस पे स्टेरॉयड दिया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। स्टीरॉयड तो एकदम ओवर लास्ट केस हो नहीं, जाता है, मतलब बिल्कुल जब कुछ ना एक बचे तो। नहीं समझे, उस पेशेंट को शुगर भी थी, अच्छा। उसकी शुगर 600 हो गई और पेशेंट वो बचाया नहीं जा पाया, एक महीने के अंदर उनकी डेथ हो गई। मुझे लगता है कि वो टर्निंग पॉइंट वो स्टीरॉयड देना था, कि आप एक क्रॉनिक डिजीज में स्टीरॉयड, सिर्फ इसलिए उसको इचिंग हो रही है इस बेस पे आप उसको स्टीरॉयड दे रहे हो, या क्या सोच के दे रहे हो, कायदे से स्किन वाले के ओपिनियन ले लो अगर सही आपको लग में, ही रहा है सही तो। में। ऐसा कुल मिला के वो बचे नहीं, तो मैं अब क्या बोलूँ, मैं अभी नहीं बोल सकता हूँ कुछ, लेकिन मेरा ये मानना है कि हाँ, रही तो डायलिसिस की बात कि हाँ एक टाइम ऐसा आता है जब बिना डायलिसिस के नहीं पेशेंट ठीक हो पाते, और परमानेंट क्योर फिर ट्रांसप्लांट है। हालांकि ट्रांसप्लांट भी आपका अच्छा ट्रांसप्लांट 10 से 15 साल ही चलता है, ये भी मैं बता दूं, अच्छा ट्रांसप्लांट जब आप कहोगे सक्सेसफुल, नहीं तो मैंने ऐसे भी देखे 2-4 साल में ही बैंड बच जाता है। तो कुल मिला के पता नहीं अब क्या बोलो। और किडनी ट्रांसप्लांट आसान भी नहीं है, क्योंकि रिश्तेदार ही दे सकता है ना, इंडिया में अलाउड नहीं है। तो बहुत ज़्यादा करप्शन इसमें भी है, जिस इस नाम पे लोग लूटते हैं कि हम आपको किडनी दिलवा देंगे, ये कर देंगे, उससे पैसे लाखों रुपए, 15-15, 20-20 लाख रुपए ले लेते हैं, धंधा बना हुआ है ये। कितने लोग जेल में गए हैं, इवन डॉक्टर, नेता लोग और पुलिस वाले और साथ में एडवोकेट, सब मिलके ये जाल बना रहता है किडनी का। बहुत बहुत किडनी गलत जा रहा है स्कैम है एक तरह का, मतलब। ये है क्या, स्कैम एक तरह का नहीं है, और इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, किडनी का धंधा कभी होता नहीं मंदा। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा, आज मैंने दिखाना था आपको कि कुछ की कैसे यूरिया क्रिएटिनिन कम किया जा सकता है। तो ऐसा कोई बहुत भारी वो भी नहीं है और बहुत आसान भी नहीं, दोनों चीज़ें। ठीक है, तो आप, तूने कोई पूछना है? देखो कुछ नेचुरल वे जिससे किडनी थोड़ी हमारी सही रहे, मतलब फ्यूचर में एक जाके ऐसी तुझे बात प्रॉब्लम ना बताऊं, आए। एक बात बताऊं, हर चीज़ का एक ही तरीका है, बॉडी का कोई भी ऑर्गन हो, सबके फैक्टर कॉमन है। क्या, एडिक्शंस मत करो, नंबर 1, वॉक करो, डाइट अपनी बैलेंस लो, टेंशन से दूर रहो, ये हर ऑर्गन पे है सही बात कह रहे हो, ना। बिल्कुल। और अपने टाइम पे चेक कराते रहो, ब्लड टेस्ट वगैरह, जिससे आपको पता रहे कि पता रहे। आपका क्या है। और योगा, मेडिटेशन, वॉक, डाइट, एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें हर उसमें हैं, हर ऑर्गन के लिए, खाली एक ऑर्गन के लिए नहीं है। और बाकी ये कि सेल्फ ट्रीटमेंट मत करो। अब होता वही है कि पेशेंट ठीक नहीं होता, फिर वो जाते हैं इधर उधर ऑल्टरनेटिव पैथीज में जाते हैं, कभी और आयुर्वेदा में चले जाते हैं, कभी हाँ, तो होम्योपैथिक में किडनी चले में जाते हैं। मैं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा यूज़ है, सच बता रहा हूँ। ये क्रॉनिक डिजीज़ में लोग जाते जरूर हैं फ्रस्ट्रेशन में, कैंसर में, और धक्के खा के वापस आते हैं, मर खप जाते हैं, अगर मैं बहुत बोल्डली बोलूँ तो मर खप जाते हैं। तो ठीक है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आपका पेशेंट है, आपका पैसा है, आप जानिए, मैं सिर्फ अवेयर कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। और बस बाकी जो परमात्मा नु मंजूर है वो ही के रहेगा, ना तेरे वास्ता रखो, ना मेरे वास्ता, ना इसके बस का, किसी के बस का कुछ नहीं है हम तो दुआ करेंगे किसी को कोई प्रॉब्लम ही ना हो, ना। सच्ची में। चलो इसी बात पे एक भजन गा देता हूँ।
टॉपिक याद ऐसा सर भजन नहीं बनता अब तो यार, इतना भी मोर बहुत सीरियस सा टॉपिक था। हाँ यार बोर हो गया मैं तो, मुझे इतना ना पसंद नहीं है इतना सीरियस टॉपिक बनाना। कोई बात नहीं सर, आप अपना गाना सुना के सबका मूड ठीक कर दो। क्या गाना गाऊँ, टॉपिक ही ऐसा है, बता देता हूँ। चलो नहीं कोई अच्छा सा गाना गाना, सीरियस मत गाना। नहीं गाऊँ? नहीं सीरियस नहीं, थोड़ा फन वाला थोड़ा सा अच्छा। अच्छा तो क्या फ़न बताऊँ, अब इतना किडनी वाले पेशेंट ये देख के उनकी हिम्मत होगी फ़न वाला टॉपिक देखने की, पर मैं तो यही बोलूँगा कि हंसते रहो हंसाते रहो, टेंशन दूर रहेगी तो आप बीमार कम होगे, डिस्ट्रेस रहोगे तो फिर क्या, और अपने आप को सोचो यू आर द बेस्ट। ये मेरी थिंकिंग शुरू से रही है कि अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो, अपना कंपटीशन सिर्फ अपने आप से करो। और हम ये मोह माया की दौड़ में जब भूल जाते हैं, दूसरे की गाड़ी देखते हैं अपना, और दूसरे का स्कूटर कोई नहीं देखता, दूसरे की साइकिल कोई नहीं देखता कि आपके पास स्कूटर है उसके पास साइकिल है, हम सब इसी उसमें सब बह चुके हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ने की दौड़ है, उस दौड़ में हम भूल जाते हैं कि हमारी बॉडी है, ठीक है, उसका ध्यान हमें रखना है। तो इतना ही बोलूँगा कि यू आर द बेस्ट थिंग, कि अपना कंपटीशन सिर्फ अपने आप से करें। तो इसी पे गाना है जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है, और एक दिन ऐसा आएगा जब लोग भी बोलेंगे यस यू आर द बेस्ट, हालांकि बोलते हैं ना मैंने तो, कमेंट सेक्शन में बोल हाँ रखे। दोस्तों मुझे तुम देख लो, मैं नंबर एक हूँ, कोई काम हो तेज हूँ, बड़ा स्मार्ट हूँ, और फिर भी नेक हूँ कि तुम भी कहो, ये है ना ये गाना था ना, हाँ भाई हाँ ये तो हिट है, हाँ भाई हाँ ये तो फिट है, क्योंकि नंबर वन हूँ। और ये सोचो आप भी कि आप नंबर वन हो, और इतनी उसमें भी नहीं रहना चाहिए बहुत कि मैं नंबर वन हूँ, हाँ, तो थोड़ा सा अपने आप को, बस अपने आप को सोच के चलो यू आर द बेस्ट, यू कैन डू बेस्ट, और इधर उधर मत देखो, अपने लक्ष्य की तरफ देखो, अपने टारगेट की तरफ। ये बैठी होती मैं इधर देखता भी नहीं उसकी तरफ मेरा लक्ष्य मेरी ऑडियंस है तो, और मैं आपकी तरफ देखता हूँ या अपने टॉपिक की तरफ देखता हूँ, तो आसपास भूल जाओगे आपके आसपास कौन बैठा है, मेरे बगल में मोदी जी आके बैठे, मैं तब ना देखूँ अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, बाद में देखूंगा भाइयो ये आवाज़ कहाँ से आई ऐसा ही होना चाहिए काम देखो चाहिए। जब आप काम कर रहे हो तो आपको कहीं नजर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अर्जुन की आंख की तरह, अर्जुन की आंख मछली की आंख अर्जुन अर्जुन की सर आप आसपास अब देख रहे हो ना, अब आपने अपने आसपास टॉपिक खत्म हो गया ना तेरे बाल सफेद हो गए देख लिए मैंने चलो बाल तो सफेद होते रहेंगे, जिंदगी चलती रहेगी और बाल बच्चे भी ना सफेद हो जाए कहीं बाय। बहुत लंबा हो गया टॉपिक, किडनी से शुरू हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि आपको डिस्ट्रेस करना, आपको मोटिवेट करना, आपको हंसाना, ये भी एक अपने आप में आर्ट है, और इसके बिना कोई भी इंसान ठीक नहीं हो सकता। तो टेंशनें छोड़ो, थोड़ा सा जीना सीख लो, जो मुझे बोलते हो ना कि डॉक्टर काला क्या करते रहते, नौटंकी करते, स्वीटी आंटी बन के आ गए, फलाना बन के आ गए, भाई जिंदगी इसी का नाम है, किसी की सुनो मत, अच्छी बातें सुनो बुरी बातें मत सुनो, कोई आपकी बुराई कर रहा है भूल जाओ। मोटिवेशन वीडियो नहीं हो गया कुछ ज्यादा, बहुत ज्यादा सर ये किडनी वाला था वैसे। चलो थैंक यू बाय, चलो राम 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 राम।